मैं यूट्यूब चैनल आकाश एक्स ब्लॉग कर दे नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मैं अपना घर से अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ साउंड का आवाज़ ज़्यादा, इसलिए मैं माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलते हैं हम लोग गली की साइड, और गली में देखते हैं, गली में एक नाला टाइप से खलनाया हुआ है। तो अभी चलते हैं और आपको मिलते हैं। आ जाओ, पहले बाहर की साइड को आपको नज़ारा दिखाते हैं, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा नाली गड्ढा है। तो उसमें देखते हैं, इसमें मोदी सरकार का हर घर जल वाला परियोजना चल रहा है योजना, तो अभी देखते हैं, आ जाओ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बगल, आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदा नाली है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसमें मोदी सरकार का हर घर जल वाले परियोजना है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो इसी के द्वारा यहाँ पे पाइप बिछाया जाएगा, उस पाइप के जरिए हर घर में जो कि पानी का साधन आ सकता है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और बहुत दूर है वहाँ से लेकर यहाँ तक, आप लोग देख सकते हैं, जितना गड्ढा हो सकता है उतना गहरा खनाई की यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वहाँ देख सकते हैं, वहाँ से पूरा यहाँ तक के ही है। और आपको मैं गहराई भी इसका दिखा दूँगा, बहुत ज़्यादा गहराई है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। जो कि गली है वो उतना ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और इनके और थोड़ा अंदर जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा गहरा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग मेरे पीछे देखिए, वहाँ से जो जेसीबी मशीन है उसमें खुदाई कर रहा है। तो आप लोग यहाँ नीचे जो गहराई है उनको देखो, लेकिन अंधेरा क्या पता आ जाएगा या नहीं। करीब 4 फीट के आसपास है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत दूर तक है। तो इसमें आ जाएगा एक पाइप पतला सा, उसमें जिस जिस घर में जो भी बना है उनमें लेके जोड़ देगा, जिस वजह से पानी आएगा। तो अभी इन प्रोसेसर में बहुत दिन लगेगा, करीब अगले साल 2025 भी आ जाएगा, उनका कोई भी पता नहीं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और घर में सिर पर टंकी बना है, टंकी जिसमें पानी आया जाता है, और क्या पता कब आएगा, इसका कोई भी पता नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग स्कूल जाएंगे या कॉलेज, जो भी जहाँ पे जाएंगे बाहर पार, तो बाइक भी नहीं निकलने के और साइकिल भी नहीं निकलने के, तो हम खुद नहीं ढंग से चल पाते। तो देखते हैं, क्या पता हमारा साइकिल निकल जाएगा तो आज जाएंगे, अगर नहीं निकल पाएगा तो देखेंगे क्या होता है। अभी चलो, अभी कोशिश करते हैं साइकिल को निकलने के लिए, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। हमारे घर में बोर है, उसमें मोटर नहीं डला है, तो इसमें का पानी आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग रस्सी का द्वारा करके यहाँ पे पानी को निकालेंगे, अभी आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे पानी आ चुका है फिर से दोबारा ट्राई करने के बाद, तो यहाँ देखते हैं कितना पानी आया है। थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसमें देखते हैं क्या पता पानी आ जाएगा, लेकिन वजन तो है। यहाँ पे तो बहुत पानी है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइए इनको, हमारे जो कि नलकूप में पानी आ चुका है, यहाँ पे मोटर नहीं लगा है फिर भी। तो यहाँ पे पानी को पी कर देखते हैं मीठ है या क्या है। तो पानी काफ़ी अच्छा है और थोड़ा मीठ है, उतना ज़्यादा नहीं है कुछ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस अभी मेरा खाना पीना हो चुका है और मैं जा रहा हूँ साइकिल पकड़ के, आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैं साइकिल में हूँ। और इस साइकिल को उस पार जो नाली है उसके उस पार नहाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपने स्कूल जा सकें। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. आप लोग देख सकते हैं जो मेरा साइकिल है यहाँ पे निकल ही आ चुका है। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, सब हो जाता है। तो इसी तरह मैं अपना साइकिल को निकाल चुका हूँ। अब 10 बजेगा तो वहाँ ग्लोबल जाऊँगा कंप्यूटर क्लास में, तो 11 से 12 बजे है, और उसके बाद मैं 1 बजे के आसपास घर आ जाता हूँ। तो आपको मिलते हैं बाद में। तो गाइस मैं फाइनल आ चुका हूँ अपने ग्लोबल से कंप्यूटर चला के। तो अभी मैं जस्ट खाना उना खा के इधर आया हूँ, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और सुबह को यहाँ पे खुदाई हो रहा था, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बड़ा वाला पाइप है
को डल चुका है और जगह जगह में ये ब्लैक वाला पाइप भी डला है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पे भी है। और यहाँ पे देखो वहाँ पे बोट वोट नट बोल्ट कसाया हुआ है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। और इस नाली में बहुत ज़्यादा वो आ चुका है, पानी भर चुका है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो ज़मीन से नीचे का उगर उगर कर यहाँ पे पानी आ चुका है। तो गाइस आ जाओ, आपको आगे लेकर चलता हूँ, वहाँ पे जो वहाँ से हमारा उधर साइड घर है तो उस साइड जाएगा। और चलो यहीं पे है सामने पे, तो यहाँ पे ये पाइप बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड। और नीचे वहाँ पे लगा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, लेकिन चलो कोई नहीं, इस साइड घूमना था उनका वो, तो ये उल्टा हो गया, ये वाला जाएगा यहीं पे है टंकी, नल लगा है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे आकाश अपना साइकिल को धोने लगा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत पुराना साइकिल पर आकाश नया बनाना चाहता है। Close till I get up, time is barely on our side. तो गाइस मैं आ चुका हूँ वापस से वही पास, आप लोग वहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं वही पास हूँ। और जो जेसीपी मशीन है वो आ रहा है इस गड्ढे को दाबने के लिए, जो बराबर करने के लिए। तो आपको जेसीपी मशीन आएगा तो दिखाऊंगा। और मैं यहाँ मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे, यहाँ पे नवरात्र लग चुका है, तो यहाँ पे 9 दिन के लिए बहुत ज़्यादा हल्ला होगा, जो साउंड का आवाज़ है वो आ जाएगा। आप लोग यहाँ नीचे देखिए, नीचे में बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है, पहले से भी ज़्यादा। तो जो ये वाला वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो आएगा नवरात्र ख़त्म होने के बाद, क्योंकि एडिटिंग बहुत टाइम लगता है, मेरा बहुत पुराना मोबाइल है तो इसलिए यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। और जेसीपी जैसे कि मशीन आएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे कार्य होगा या नहीं होगा। जेसीपी चल रहा था और मैं तो घर आ चुका था, तो वीडियो कैमरामैन बनाया और मैं थोड़ा अपना जो ग्लोबल से आया था थोड़ा पढ़ने लिखने लगा था, तो शायद काम हो चुका होगा क्योंकि जेसीपी चल गया। तो चलो बाहर पर चल के देखते हैं, क्या पता जो पाइप वाला जो गड्ढे थे वो पूरा बराबर हो चुका है या नहीं, चलो आपको चल के दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और आप लोग देख सकते हैं, जो रास्ता था थोड़ा सा जो मिट्टी है रास्ते के ऊपर हो चुका है, लेकिन काफ़ी अच्छा हो चुका है। आप लोग यहाँ पाइप देख सकते हैं, पाइप यहाँ पे है, और जो काफ़ी अच्छा था जो नाली है बीच में है नाली, आप लोग यहाँ इसे देख सकते हैं, और वीडियो में भी आया है और काफ़ी अच्छा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फाइनल यहाँ पे नहाने के लिए आ चुका हूँ, और जब ग्लोबल से आया तो बहुत ना ज़्यादा पसीने से मैं भींग चुका था, इसलिए यहाँ पे नहाऊंगा। और मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।